गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे एमीन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। आज अपन नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर हिंसबर्ग अभिकर्म के साथ। हिंसबर्ग अभिकर्म गए, इसको अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बेंजीन की रिंग एस डबल बॉन्ड हो और ये सीएल, इसको अपन कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या अपन इसको लिख सकते हैं C6H5SO2ClBCl लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसको अपन क्या कहते हैं, इस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं। अब यहाँ पर अपन प्राथमिक एमीन 1 डिग्री, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री और तृतीयक एमीन 3 डिग्री की अभिक्रिया अपन इस वर्ग अभिकर्मक के साथ कराते हैं और देखो इससे क्या उत्पाद बनता है। सबसे पहले अपन लेते हैं प्राथमिक एमीन 1 डिग्री, इसकी अभिक्रिया अपन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराते हैं तब देखो क्या बनता है। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन अपन ले लेते हैं CH3NH2, इसको अभिक्रिया को समझने के लिए मैंने इसको NH लिख लिया। इसकी अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग ये है मैथिल एमीन और ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक, या इसको अपन कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसका H और इसका Cl मिलकर यहां से क्या निकल जाएगा, HCl हट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा HCl और यहां पर अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3NH S डबल बॉन्ड O और ये रिंग। तो इसको अपन बोलेंगे N मेथिल बेंजीन सल्फोने माइड, एन मैथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो अपन को यौगिक प्राप्त हुआ है इसके पास में क्या अवेलेबल है, एच मतलब हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है और हाइड्रोजन परमाणु ये डोनेट कर सकता है, इस कारण से इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। इसका नेचर है जो कैसा होगा, अम्लीय होगा और अम्लीय प्रकृति होने के कारण अपन इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सार के साथ कराएंगे। तो सार अपन यहाँ ले लेते हैं NaOH, NaOH लेंगे तो यहाँ पर इसका जो H और OH मिलकर यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O और यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3N S डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा ये रिंग और यहाँ पर जो ये N था ये माइनस है और इससे जुड़ जाएगा Na+, यहाँ पर लवण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये था प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग अभिकर्म के साथ करेंगे तो अपन को एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण होगा और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। अम्लीय होने के कारण ये सार के अंदर क्या होगा, विलय होगा और विलय होकर किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा। तो ये तो अभिक्रिया थी प्राथमिक एमीन 1 डिग्री के साथ। अब अपन लेते हैं 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब अपन हिंसबर्ग अभिकर्म के साथ या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहां से H और Cl मिलकर यहां से HCl हट जाएगा
ये था अपना डाइमेथिलएमीन, डाइमेथिल एमीन, ये 2° एमीन है, और ये हो गया हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3N CH3S, ये डबल बॉन्ड और ये बेंजीन की रिंग। अब ये जो यौगिक अपन को प्राप्त हुआ NN डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर इस यौगिक के पास में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, नहीं है तो ये H को डोनेट नहीं कर सकता, इसका मतलब इसकी प्रकृति है वो अम्लीय नहीं होगी। तो इसको यदि अपन सार के सार मिलाएंगे इसके अंदर, जैसे NaOH मिला दिया, तो ये सार के अंदर क्या हो जाएगा, अविलय होगा, सार के अंदर यह विलय नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि यह एमीन कौन सी है, 2° है। तो 1° की पहचान हो जाएगी कि 1° में जो बनेगा एन मैथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जिसके पास एच अवेलेबल है, और एच अवेलेबल होने के कारण उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, इस कारण वो सार के अंदर विलय होकर किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा। तो ये इससे पता चल जाएगा कि ये एमीन कैसी है, प्राथमिक एमीन है। अब द्वितीयक एमीन है, इससे जो बनेगा NN डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना। अब ये जो है इसके पास H अवेलेबल नहीं है, और H अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये सार के अंदर क्या होगा, अविलय होगा, जिससे अपन को 2° एमीन की पहचान हो जाएगी। अब अपन लेते हैं 3° एमीन, तृतीयक एमीन 3° अब देखिए, जब अपन तृतीयक एमीन 3° की अभिक्रिया जब अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करेंगे, तब देखो क्या बन रहा है, ये CH3, ये हो गया N, ये CH3 और ये CH3 और ये लॉन पेयर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको अपन कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये हो गया अपना ट्राइमेथिल एमीन, और हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पर H अवेलेबल नहीं है 3° एमीन के पास, इसलिए यह हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, नो रिएक्शन होगी। तो इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा अपन 1° 2° और 3° एमीन में विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक एमीन जो होगी वो हिंसबर्ग के अभिकर्मक के साथ जो अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाएगी एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो भी बनाएगी, वो जो है उसके पास H अवेलेबल होने के कारण उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, और अम्लीय होने के कारण जैसे उसको अपन सार में मिलाएंगे तो वो विलय हो जाएगी और लवण का क्या करेगी, निर्माण करेगी, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि ये एमीन कैसी है, प्राथमिक एमीन 1° है। जब अपन 2° एमीन लेंगे और उसकी जब अभिक्रिया अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराएंगे, तो उसके अंदर NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण होगा, और यह तो इसके पास H अवेलेबल नहीं होगा, और H परमाणु अवेलेबल नहीं होगा, इसका मतलब ये सार अंदर मिलाएंगे तो ये सार के अंदर क्या हो जाएगी, अविलय हो जाएगी। तो ये इससे पता चल जाएगी कि सार के अंदर अविलय है, इस कारण से ये एमीन कैसी है, 2° है। और 3° एमीन के अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हिंसबर्ग के साथ में 3° एमीन अभिक्रिया नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास H अवेलेबल नहीं है। तो इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा अपन 1° 2° एंड 3° तीनों के अंदर अपन विभेद कर सकते हैं। अब वर्तमान के अंदर जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के स्थान पर जो वर्तमान में काम में लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है पैरा टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ध्यान रखना, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा अपन तीनों में विभेद कर सकते हैं, और
प्रश्न यदि पूछे कि वर्तमान में हिंसबर्ग अभिकर्मक के स्थान पर जो है किस यौगिक या कौन सा जो है अभिकर्मक प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका जो किया जा रहा है वो पैरा टालोइन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये इसका फॉर्मूला है। तो पैरा टालोइन सल्फोनिल क्लोराइड का जो है वर्तमान में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रैक्टिकल जब एग्जाम होते हैं तो वाइवा वगैरह के अंदर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंसबर्ग अभिकर्म के स्थान पर वर्तमान में किस अभिकर्म का प्रयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रखना पैरा टोलोइन सल्फोनिल क्लोराइड और इसका ये फॉर्मूला। इससे भी अपन इसकी सारी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये था अपना हिंसबर्ग अभिकर्म के साथ इसकी अभिक्रिया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्राथमिक एमीन में अंतर परिवर्तन। प्राथमिक एमीन के अंदर अंतर परिवर्तन का मतलब पहले अपन लेते हैं निम्न सजात से उच्च सजात। कहने का मतलब यह है कि निम्न एमीन से उच्च एमीन बनानी है, मतलब निम्नतर एमीन से अपन को कैसे एमीन का निर्माण करना है, हायर एमीन का निर्माण करना है। तब देखिए पहले मैं इसकी कॉमन अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे यहां पर अपने ले लिया आर NH2, ये प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया अपन कर देंगे HNO2 से, तब यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा RCH2OH, मतलब एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके अंदर H2 और माइनस हो जाएगा N2, और यहाँ पर अपन को एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन PCl5 के साथ या SOCl2 किसी के साथ भी अपन करा सकते हैं, तो POCl3 और HCl यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये RCH2Cl, कहने का मतलब एल्किल जो है क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अब अपन को निम्नतर सजा से उच्च एमीन बनानी, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर देंगे, KCN के साथ। तो KCN के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा RCH2CN और माइनस हो जाएगा यहाँ से KCl। अब इसका अपन आगे क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे C2H5OH प्लस Na के साथ, तो ये कितने H देगा, 4H दे देगा, तो दो यहाँ जुड़ जाएंगे, एक यहाँ जुड़ जाएगा CH3CH2CH2 और ये हो जाएगा NH2, तो यहाँ पर बन जाएगा R, ये CH2 और ये NH2 बन जाएगा, और यहाँ पर एमीन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपन R की जगह CH3 लेंगे, तो जैसे मैं R की जगह CH3 कर देता हूँ, तो ये हो गया CH3, तो ये हो गया एथिल एमीन। एथिल एमीन से यहाँ पर R की जगह हो जाएगा CH3। एथिल एमीन की अभिक्रिया अपने किसके साथ कराई, HNO2 के साथ कराई, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई, तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल साइनाइड या उसको प्रोपेन 1-नाइट्राइल IUPAC में। और इसका यदि आगे अपन अपचयन करेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, प्रोपेन वन एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो अपने पास जो एमीन थी उसके अंदर कार्बन कितने थे, दो थे, और यहाँ पर जो एमीन प्राप्त हो रही है उसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि निम्न एमीन से अपन को क्या प्राप्त हुई, उच्च एमीन का निर्माण अपन जो है इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर एथिल एमीन के स्थान पर यदि मान लो मैथिल एमीन हुआ और मैथिल एमीन की अभिक्रिया अपने HNO2 से करके यदि एल्कोहल बना दिया, तो यहाँ पर वो चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना यदि इस तरीके से आए तो मैथिल एमीन से आपको एथिल एमीन बनाना है, तो अपन को यहाँ पर HNO2 की जगह अपन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे,
जैसे अपने ले लिया CH3NH2 मैथिलेमिन। अब मैथिलेमिन की अभिक्रिया यदि अपन HNO2 से कर देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, ईथर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अपन को यदि यहाँ पर, इसलिए अपन को मैथिलेमिन टू एथिलेमिन बनाना है, तो अपन इसकी अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ कर देंगे NOCl के साथ। तो ये चेंज हो जाएगा CH3Cl में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा N2 और माइनस हो जाएगा H2O। अब मैथिल क्लोराइड बन गया। अब इस मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ कर दो, आप KCN के साथ कर दो। तब यहाँ से ये KCl हट जाएगा और यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3CN मैथिल साइनाइड। और मैथिल साइनाइड का अपन आगे क्या कर देंगे, C2H5OH प्लस Na के साथ में अपचेन कर देंगे, तो ये 4H देगा और यहाँ पर अपन को बन जाएगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन का निर्माण हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ मैथिल एमीन से यदि अपन को एथिल एमीन बनाना है तो यहाँ पर HNO2 लोगे तो उससे क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, डाईमेथिल ईथर। और उस प्रोसेस से बनाओगे तो डाईमेथिल ईथर की अभिक्रिया फिर आगे किसके साथ करनी पड़ेगी, HI के साथ करनी पड़ेगी। तो इसमें एक एल्कोहल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया फिर आगे KCN के साथ करके फिर अपन आगे कर सकते हैं। तो ये ध्यान ये रखना है कि आपको पूछा गया है मैथिल एमिन टू एथिल एमिन पूछा है, तो ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर HNO2 नहीं लेना है। इस प्रोसेस से अपन जो निम्नतर एमिन से अपन उच्चतर एमिन का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस जो है वो एमीन का क्या कहलाता है, आरोहण कहलाता है। निम्नतर एमीन से उच्चतर एमीन का निर्माण कर सकते हैं। थैंक्स।